अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जमात नहुम के 90 सबक जो खतूत पर मुश्तमिल है के मुसन्निफ या खतूत निगार के हालाते जिंदगी के मुतालिक मालूमात हासिल की। आइए अब हम हमारे निसाब में शामिल पहले खत का खुलासा समझते हैं। ये सहशुम्बा यानी मंगल के रोज 3 मार्च 1965 को लिखा गया खत है। हबीबुर रहमान साहब इसके मक्तूब निगार है, जिन्होंने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा था। वो कह रहे कि भाई तुम्हारा खत 21 मार्च को लिफाफा मिला और खत और गजल वसूल हुए, जिन्होंने गजल और खत भेजे थे वो हमें मिले। उसके बाद वो कहे, उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई तुमने पोस्ट कार्ड जो इंग्लैंड है ना, अंदरूनी मुल्क जो खत भेजा जाता वो भी मिला। उम्मीद है जो उन्होंने भेजा है कि अब तक तुम्हें भी मिल गया होगा। कल पीर यानी पीर के दिन तुम्हारे जो गजल थी वो बगैर रदीफ की वापस किए, यानी जो उन्होंने गजल लिखी थी वो बगैर रदीफ की गजल थी। अब रदीफ किसको कहा जाता? रदीफ जो है गजल या कसीदे के अंदर काफिये के पीछे बार बार इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। इन खतों की जो बोले मैंने तुम्हें रसीद भेजा था उससे हमें भी मतला करना। अब सबसे पहले वो अपने बेटे को एक नसीहत कह रहे हैं कि एक जरूरी बात सुनो कि जैसे ही तुम्हें तनख्वाह मिले तो भले ही तुमने मुझे पैसा मत भेजना, लेकिन एक डैडा शख्स है यानी एक शख्स जिसका उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं जिक्र किया कि उसे जरूर मदद कर देना, उसे जरूर कुछ पैसे भेज देना। मेरा क्या है, बोले मुझे तो पेंशन मिल जाएगी और मुझे बोर्ड से भी कुछ रुपये मिलने वाले हैं, कुछ दिनों में मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो जो शख्स है उसका सिवाय खुदा के कोई नहीं है, तो और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस अपने काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। अकोला ना जा सका, उसके उन्होंने वजह भी बताई इस खत के अंदर कि वे अकोले बोर्ड का काम मिल गया था जो 10-12 दिन इसमें निपटाने में मुझे लग जाएंगे। अक्कू सलामा 1 अप्रैल को या पहले या दूसरे हफ्ते में आने वाली है, उनकी बेटी जो है वो भी आने वाली है और फिर अतु सलमा भी आने वाली, ईद है ना, ईद के लिए वो दोनों बेटियां उनकी आने वाली है। मैं अपने प्यारों का इंतजार कर रहा हूँ। और अब ज़ईफ़ और नातवा, ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़े इंसान को कि भाई मैं और कमजोर भी हो गया हूँ, सबको सलाम कहना और रसीद जरूर भेजना। हबीबुर रहमान सिद्दीकी।